बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र में अबर चौराहे के पास राप्ती नदी से अवैध बालू खनन करके ले जा रही ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में ट्राली के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विदित हो कि गौरा थाना क्षेत्र में राप्ती नदी से कई जगह माफिया अवैध बालू खनन करते हैं। इसी क्रम में बुधवार को मटियारिया निवासी अनिल कुमार मौर्य अपनी ट्रैक्टर ट्राली से अवैध खनन की बालू लेकर लिलवा गांव की ओर जा रहा था। ट्राली पर करमहना निवासी मजदूर राम आश्रय उम्र 32 वर्ष भी बैठा था। आबर चौराहे के निकट ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दबकर राम आश्रय की मौत हो गई, जबकि चालक मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर ट्राली के नीचे से शव निकाला। राम आश्रय की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। उसके परिवार में उसकी पत्नी व उसके दो बच्चे हैं। प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार यादव ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के कारणों व अवैध बालू खनन की गहन जांच की जा रही है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।